हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग विभागों की रिक्ति की जानकारी देने वाला हूँ। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, NIT रायपुर छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी ट्रेनी के 5 पदों पर बम्पर भर्ती निकाला गया है, जिनके लिए रिक्तियाँ जारी कर दी गई है। दोस्तों चलिए हम इनकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, भर्ती विभाग का नाम है NIT रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर छत्तीसगढ़ में। भर्ती के लिए यदि मैं पद के नाम की बात करूँ दोस्तों, तो लाइब्रेरी ट्रेनिंग के कुल पदों की संख्या 5 निर्धारित की गई है, जिसमें आवेदन का माध्यम ऑफलाइन है, अर्थात ऑफलाइन माध्यम में आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नौकरी की श्रेणी की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अंशकालीन लाइब्रेरियन के पद पर भर्ती किया जाना है, जिनके लिए आपकी पोस्टिंग रायपुर में किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में NIT रायपुर में संचालित है, जहां पर आपका पोस्टिंग किया जाएगा। यदि वर्किंग टाइम की मैं बात करूं दोस्तों, तो एक वर्ष के लिए अंशकालीन रूप में आपको लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन के पद के लिए भर्ती की जाएगी। इनकी अधिक जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी दोस्तों। यह ग्रंथालय प्रशिक्षित ट्रेनी है, लाइब्रेरियन ट्रेनी का पद है, जो कुल पदों की संख्या 5 निर्धारित की गई है। यदि मैं इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करूं दोस्तों, तो ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान होना चाहिए। अधिक जानकारी आपको अधिक सूचना के माध्यम से मिल जाएगी दोस्तों। यदि मैं इनकी आयु सीमा की बात करूँ, तो 23/12/2021 की स्थिति में आपकी आयु सीमा की गणना की जाएगी। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या PH कैंडिडेट हैं, तो आपको शासन के निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। देखिए, पोस्ट जारी हुआ था 7 दिसंबर 2021 को। ऑफलाइन मोड में आवेदन करने की तिथि 8/12/2021 है, अर्थात 8 दिसंबर से ऑफलाइन मोड में आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/12/2021 निर्धारित की गई है, अर्थात 23 दिसंबर तक आप ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, आपका कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न पदों पर स्टेनो की भर्ती किया जाना है। देखिए दोस्तों, यह सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया विज्ञापन है। यदि मैं इनके आवेदन की तिथि की बात करूं दोस्तों, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30/12/2021 निर्धारित की गई, अर्थात आप 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहां पे करना है दोस्तों, तो आप कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पर आवेदन करेंगे। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनो, हिंदी सहायक ग्रेड 3, क्लर्क स्टेनो जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। इसके लिए भारतीय नागरिकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया गया है दोस्तों, अर्थात बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप संबंधित विषय में स्टेनो का डिप्लोमा रखते हैं, साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि मैं कुल पदों की संख्या की बात करूं, तो कुल 34 पदों पर भर्ती कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के लिए निकाली गई है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। इसमें आपका स्टेनो हिंदी, स्टेनो अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, क्लर्क जैसे पदों पर भर्ती होगा, जिसमें आपका स्टेनो अंग्रेजी के 1 पद, स्टेनो हिंदी के 2 पद, सहायक ग्रेड 3 के 30 पद, क्लर्क स्टेनो के 1 पद। इस प्रकार से कुल 34 पदों पर भर्ती किया जाना है। अधिक जानकारी आपको संबंधित वेबसाइट पर मिल जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप योग्यता रखते हैं, तो 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम क्या होगा, इनकी कंप्लीट जानकारी आपको संबंधित वेबसाइट पर भी मिल जाएगी दोस्तों। रिक्तियों की जानकारी के इसी कड़ी में दोस्तों, आपका कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। देखिए दोस्तों, आपका सखी वन स्टाफ सेंटर जगदलपुर के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार जिला बस्तर में केस वर्कर के पद पर सेवा प्रदाता के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, अर्थात केवल पदों की संख्या 1 है, अर्थात 1 पद के लिए रिक्तियां निकाली गई है।
मैं पद की नाम की बात करूं दोस्तों, तो केस वर्कर का पद है, जहां आपको सखी वन स्टाफ सेंटर जगदलपुर में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके लिए यदि पद की संख्या के संबंध में कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो यह अनारक्षित वर्ग का पद है, जिसमें केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। एकमुश्त वेतन मान 15,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो 20 दिसंबर 2021 तक वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित है, अर्थात वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप 20-12-2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो www.bastar.government.in की वेबसाइट पर भी आप जाकर इनकी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो पात्र हैं यदि इन पदों के लिए, तो 22-12-2021 को वॉकिन इंटरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जाएगी। तो आप वहां जाएंगे और जाकर के आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र के साथ आप दिनांक 22-12-2021 को 11 से 5 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कलेक्ट्रेट जगदलपुर में अपना पंजीयन कराते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों।